मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। मतगणना से दो दिन पूर्व समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज बनारस में ईवीएम से भरी एक गाड़ी पकड़ ली। सपाइयों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि हार से बचने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर यह हेराफेरी की जा रही है। ईवीएम से भरी एक गाड़ी पकड़ ली गई तो जबकि दो अन्य भाग निकली। इस पर जिला प्रशासन ने सफाई दी है कि ये ईवीएम चुनाव में इस्तेमाल नहीं हुई हैं, जो इस्तेमाल हुई वे सभी स्ट्रांग रूम में सीआरपीएफ के कब्जे में सीलबंद हैं। इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि हार से बचने के लिए ईवीएम चोरी से अदला बदली की जा रही है। चुनाव आयोग का सख्त आदेश है कि ईवीएम यदि इधर से उधर ले ही जानी है तो सभी प्रत्याशियों की यह जानकारी में होना चाहिए, लेकिन वाराणसी में ऐसा नहीं हुआ है। बहरहाल इस मामले पर जांच बैठा दी गई है। आइए देखते हैं मौके पर क्या हुआ। ईवीएम बीजेपी का सरेआम घोटाला, देखिए पानिया मंडी में ईवीएम का जनता द्वारा पकड़ा गया ईवीएम चोरी, यही बीजेपी सरकार है, देख लीजिए। चैलेंज ठोकते हैं सरकार बनाएंगे, ये बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार है, बीजेपी निकम्मी। यहाँ सीओ साहब हैं, सभी लोग हैं, रंगे हाथ पकड़ा गया है, दो गाड़ी ये तानाशाही सरकार है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, दूसरी गाड़ी वहाँ पे, आगे आगे। Hey!